और बस कुछ ही पलों का इंतजार और मैं आपकी आंखों के सामने लेके आ रहा हूँ थिरापल्ली वाटरफॉल्स। स्वागत है आपका थिरापल्ली वाटरफॉल्स में। क्या लाजवाब नज़ारा है, कितनी ऊंचाई से पानी जो है वो आ रहा है और आप खूबसूरती देख सकते हैं चालाकुडी नदी की जो पहाड़ों की ऊंचाई से जो है वो गिर रही है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं थिरापल्ली वाटरफॉल्स। एंजॉय करिए थिरापल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। खूबसूरत केरला का सफ़र जारी रखते हुए अब मैं आ गया हूं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह और ये मैं कहूंगा एक हिडन लोकेशन है। और अभी मैं हूं थिरापल्ली वाटरफॉल्स और थिरापल्ली वाटरफॉल्स जो है चालाकुडी रिवर के ऊपर ये वाटरफॉल्स है और यही जो रिवर है यहाँ से जब पानी गिरता है तो ये वाटरफॉल का नाम जो है ये पड़ता है थिरापल्ली। तो बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होता हुआ मैं कोची से अपना सफ़र शुरू करते हुए थिरापल्ली वाटरफॉल्स पहुँचा हूँ। और यहाँ पे जो है अगेन जो यूजुअल केरला की एक आई वुड से कि इमेज है, यहाँ पे लोग बैक वाटर्स के लिए आते हैं, लेकिन मैं जो अपना सफ़र कर रहा हूँ मैं अपना सफ़र कोशिश कर रहा हूँ कि जंगलों के बीच में और वाटरफॉल्स के बीच में इस सीरीज़ और वीडियो सीरीज़ को मैं शूट करता हूँ और चलूँ। तो उसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको लेके जा रहा हूँ थिरापल्ली वाटरफॉल्स और ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी होने वाली है। तो चलिए आइए मेरे साथ। चालाकुडी रिवर के ऊपर और खूबसूरत रिवर जो है इस वक्त मेरी बाई और है और अब मैं इस ट्रेल के ऊपर चलता हुआ जा रहा हूँ वाटरफॉल्स के एरिया की तरफ जहाँ पे वाटरफॉल्स जो है वो लोकेटेड है। और यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो वाटरफॉल रिजॉर्ट्स हैं वो रास्ते में हैं और बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना है जब केरला के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था इस वाटरफॉल के बारे में, क्योंकि यूजली जो लोग जाते हैं वो जाते हैं मुन्नार की और या फिर अदर लोकेशन जैसे कि एलपी की और जाते हैं फोर्ट कोची और कोची की तरफ जाते हैं। तो ये जो लोकेशन है ये बहुत ही खूबसूरत होने वाली है और आप अपनी आइटनरी के अंदर इसको शामिल कर सकते हो जब आप अपना टूर प्लान करोगे केरला के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, फाइव स्टार रिजॉर्ट्स आई थिंक यहाँ पे हैं जहाँ पे आप एक दिन का स्टे या दो दिन का स्टे जो है वो प्लान कर सकते हो। तो बहुत ही पीसफुल और काम लोकेशन है और ज़्यादा लोग भी नहीं है क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जहाँ पे लोग ज़्यादातर लोकलाइट्स ही जो हैं वही यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट आउट ऑफ स्टेट टूरिस्ट वेरी वेरी लेस।
तो ये जो अथीरापल्ली का एरिया है चलाकुडी रिवर, ये आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे जब आप आएंगे गाड़ी लेके, तो फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको एंट्री करवानी है। और यहाँ पे आने के लिए टिकट भी लगता है और टिकट बहुत ही रीज़नेबल है। तो एक अडल्ट की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपये और गाड़ी की जो कॉस्ट है वो है 30 रुपये। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, आपको टिकट काउंटर मिलेगा, वहाँ से आप, फॉरेस्ट का ही टिकट काउंटर है, और वहाँ से आप टिकट लीजिए और वो टिकट आप एंट्री पॉइंट पे दिखाइए। और बहुत ही क्लीनली क्लीन है, वेल मेंटेन्ड एरिया है। और यहाँ पे साथ के साथ ईटरीज भी हैं, शॉप्स भी हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो अगर आपको टॉयज़ लेने हैं या और कुछ सुविनियर आप लेना चाहते हो अपनी जर्नी के लिए, जो आप इस पार्ट ऑफ केरला के अंदर करोगे। और जैसे आप देख रहे हो, रास्ता ऑलरेडी खूबसूरत है। और यहाँ पे अगर आपको एक पॉइंट अगर मैं मेंशन करूँ, तो अगर आप कोची एज सेंट्रल लोकेशन से आ रहे हो, तो कोची अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है और यहाँ से कोची होगा 2 घंटे दूर। तो अगर आप प्लान कर रहे हो सुबह, आप निकलिए कोची से और यहाँ पे आप आइए। और इसके साथ आगे बहुत सारे वाटरफॉल्स और भी हैं, ये तो उनमें से एक वाटरफॉल है। तो अगर टाइम लगेगा तो बाकी वाटरफॉल्स भी हम एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अपना सफर जारी रखते हैं। तो जी, अपना आपको जो मैंने अभी शॉट दिखाया एक छोटा सा, तो वो चलाकुडी रिवर का शॉट है। और अभी हम जा रहे हैं एक छोटे रास्ते के ऊपर, और ये छोटा रास्ता जाता है फुल व्यू ऑफ वाटरफॉल्स की तरफ। तो एक रास्ता तो है मेरे लेफ्ट की और मेरी बाईं और, जहाँ पे नदी है, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है, वार्निंग भी है, क्योंकि नदी का बहाव और फ्लो बहुत तेज़ है, तो नदी के अंदर जाना मना है। और वहाँ पे चट्टानों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अभी आप देख सकते हो कि आसपास हम घने जंगलों के अंदर हैं, और इन घने जंगलों के अंदर ही जो वाटरफॉल्स है उसके लिए रास्ता, ये पगडंडी जो है वो बनाया हुआ। और इसी रीजन के आसपास जो मुझे पता चला है, शायद बाहुबली के जो कई सीन्स हैं मूवी के, वो भी जो है इसी रीजन के अंदर जो है वो शूट हुए हैं। और खूबसूरत बहुत है। और आप अगर अपना प्लान कर रहे हैं इस जगह पे आने के लिए, तो इसको डेफिनेटली आप अपनी लिस्ट के अंदर रखिए। और एक आप वहाँ उस साइड से एंजॉय कर सकते हैं। और अभी चलते हैं हम फुल व्यू ऑफ वाटरफॉल्स एंजॉय करने के लिए, और दिखाता हूँ मैं आपको भी नज़ारा अथीरापल्ली वाटरफॉल्स का। तो जी, रास्ता तय करते करते पहुंच गए हैं, और जैसा कि आपको पानी की आवाज़ से पता लग ही गया होगा, अब बिल्कुल पहुंच गया हूं मैं वाटरफॉल्स के करीब। और बस कुछ ही पलों का इंतज़ार, और मैं आपकी आंखों के सामने लेके आ रहा हूं अथीरापल्ली वाटरफॉल्स। तो स्वागत है आपका अथीरापल्ली वाटरफॉल्स में। क्या लाजवाब नज़ारा है, कितनी ऊँचाई से पानी जो है वो आ रहा है, और आप खूबसूरती देख सकते हैं चलाकुडी नदी की, जो पहाड़ों की ऊँचाई से जो है वो गिर रही है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं अथीरापल्ली वाटरफॉल्स। एंजॉय करिए अथीरापल्ली। चलिए, अब मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल्स के और नज़दीक, जितना नज़दीक सेफ डिस्टेंस पॉसिबल है, उसके साथ साथ मैं जा रहा हूँ और इन पत्थरों के ऊपर चलता हुआ जा रहे हैं हम खूबसूरत अथीरापल्ली वाटरफॉल्स के करीब। यहाँ बैठ के और यहाँ खड़े होके जो इसका नज़ारा है वो देखते ही बनता है। यहाँ पे तो मेरे को लगता है कि इसको बैठ के बस देखते रहो और आराम के साथ, और सेफ्टी का भी ध्यान रखो। और ये सारे जो पत्थर हैं, इनमें से बैठ के आप कहीं पे भी फोटोग्राफ खिंचाओ, हर तरफ से खूबसूरती आने वाला है। और क्या नज़ारा है इन वाटरफॉल्स का। तो ये है केरला की खूबसूरती, और ये पता नहीं कितने सारे वाटरफॉल्स में से एक वाटरफॉल है जो कि केरला के अंदर है। तो केरला सिर्फ बैक वाटर्स नहीं है, और केरला के अंदर ऐसे बहुत सारे नज़ारे हैं जो कि हिडन हैं या लोगों को इतने ज़्यादा पसंद पता नहीं है उनके बारे में। तो मेरा जो मकसद रहता है YouTube वीडियोस और अपने चैनल के थ्रू, वो बताने का यही मकसद रहता है कि ऐसी चीज़ें जो शायद लोगों को नहीं पता है, मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, मुझे नहीं पता इस इन जगहों के बारे में, तो उनको अवेयरनेस हो सके, उनको इन चीज़ों के बारे में पता चल सके और वो इन चीज़ों का आनंद ले सके। और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म भी है। तो जब आप आए इन सारी जगहों के ऊपर, तो इंश्योर करिए कि आप एनवायरनमेंट सेफ प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करें, और गंदगी आप ना फैलाएं।
और मजा लो खूबसूरत नजारों का। तो जी जहां तक पहुंचा जा सकता है वाटरफॉल के नजदीक, उसके नजदीक मैं पहुंच चुका हूं और क्या खूबसूरत नजारा, इतनी ऊंचाई से वाटरफॉल देखना और जो ठंडी हवा महसूस कर पा रहा हूं, वो वीडियो में आप तक पहुंचेगी तो नहीं, लेकिन मुझे ही पता है कि अभी कितनी ठंडी हवा का मैं मजा ले रहा हूँ दिसंबर के महीने के अंदर केरला के अंदर वाटरफॉल के सामने खड़े होके। और इस खूबसूरत नज़ारे में मेरे आसपास इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है, इस चट्टान के ऊपर मैं अकेला ही खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो खूबसूरत सीनरी है ये यूजली हम अपने वॉलपेपर्स के अंदर देखते हैं, लेकिन अब मैं उस सीनरी को लाइव देख रहा हूँ और उसको एंजॉय कर रहा हूँ हर पल के साथ। और यही वो चीज़ें हैं जो हमें जो है हमें देखनी है और हमें एक्सप्लोर करनी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ चलाकुडी रिवर और अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, और वहाँ वाले वाटरफॉल के पास भी जाने की कोशिश करते हैं, वो भी नज़ारा है। और वहाँ पे दो और वाटरफॉल्स हैं, ये तो एक वाटरफॉल है ये। तो चलिए सफ़र अपना जारी रखते हैं केरला का, और इस सीरीज़ की वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए, दिस इज़ अभिनव शर्मा साइनिंग ऑफ।